स्वच्छता में जिले को देश का नंबर वन जिला बनाने के प्रयासों को गति देने के लिए शनिवार को इसने वाटिका में जिले की 9 निकायों के पार्षदों की कार्यशाला हुई। इसमें पार्षदों को अपने अपने वार्डों में स्वच्छता गतिविधियां बढ़ाने, आमजन को कचरा प्रबंधन के लिए प्रेरित करने के साथ ही गत सर्वेक्षण में हुई गलतियों खामियों को दूर करने की जानकारी दी गई। इनमें भी ज्यादातर पार्षदों ने सफाई को लेकर सुझाव भी दिए। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है, स्वच्छता अभियान में बेस्ट बनने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। यह जन आंदोलन बनेगा तभी हम नंबर वन पर आएंगे। सीएमओ ने कहा, संसाधन जुटाने के साथ ही प्रबंधन की मॉनिटरिंग सही होगी तभी परिणाम नजर आएगा। निकायों में स्वच्छता गतिविधियों को संचालित करने सेवा शुल्क भी लिया जाएगा जिससे लोग सतर्क रहे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। खरगोन को अव्वल एक वन उस पे लेके आए ताकि हमारे खरगोन की रिपोर्ट अच्छी जाए। और मेरा ये है कि मेरे साथी जो पार्षद हैं वो मेरे बहुत अच्छे हैं, सहयोगी हैं, कि पूरे खरगोन को अभी भी जब से हम लोग बैठे हैं तब से लेके स्वच्छता के इसमें बिल्कुल रोज कहीं ना कहीं जाते रहे। हर वार्ड में कोई सा भी वार्ड हो ऐसा नहीं है, हमारे जो पार्षद हैं खरगोन में जहाँ तक मैंने देखा है कि उनका खुद का वार्ड नहीं पर दूसरे वार्डों में भी वो देखने जाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ गंदगी है, कहाँ नाली नहीं बनी, कहाँ सड़क नहीं है। ऐसे मेरे पार्षद इतने अच्छे हैं और मैं यही उम्मीद मंडलेश्वर महेश्वर से करे और हमारी जितनी भी नगर पालिका है उनसे सबसे यही निवेदन करूँगी कि स्वच्छता के लिए आप लोग भी अपने पार्षद और आप लोग भी हमेशा तत्पर रहें ताकि हम लोग अपने शहर को नंबर वन पे ला सकें। जहाँ तक अधिकारियों का सवाल उठता है स्वच्छता के इसमें, तो वो भी हमारा बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं स्वच्छता के इसमें। हम लोग आज भी हम जब से बैठे हैं तब से हम वार्डों में जा के देखते हैं। पहले तो मैं पार्षद थी तब हमारे यहाँ, मेरे वार्ड की बात बता रही हूँ, वहाँ पर गुड़े बने हुए रहते थे, उनको क्या बोलते थे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की कार्यशाला का है, पूर्व वर्ष में हमने क्या गलतियां की हैं उसको हमने पोर्टल से रिट्रीव किया है, हम उन पे विशेषता ध्यान दे पाए इसके लिए आज कार्यशाला में बताया जाएगा। स्वच्छता के बदलाव को लेकर शुल्क बढ़ाने की बात चल रही है, कुछ बढ़ा रहे हैं जी? एक्चुअली स्वच्छता शुल्क में ऐसा है कि जो खर्च होता है स्वच्छता पे, कर्मचारियों पे, आपके जो उसमें गाड़ियां चलती हैं उस पे, इसको जो डिवाइड किया गया है यूजर चार्ज में, जो खर्च होता है उसको यूजर चार्ज के माध्यम से जनता से देने के आवाहन। प्रति निकाय में कितने बढ़ रहे हैं? वो प्रति निकाय में अलग अलग होगा, उनके खर्चे पे डिपेंड करेगा। जो है यहाँ पे कार्यशाला रखी गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेके, जिसमें हमने आज सारे जनप्रतिनिधिगण, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सारी 9 हमारे पास नगर पालिका नगर पंचायतें हैं उनके सारे पार्षदगण, उनको हमने आज यहाँ बुलाया है। जिला शहरी विकास की ओर से ये कार्यशाला है जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में किस तरह से मार्किंग पैटर्न होता है, कैसे नंबर मिलते हैं, कहाँ हमारे नंबर कटते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में, उसके बारे में सभी को जानकारी दी गई है। और इन जनप्रतिनिधियों से और क्या अपेक्षा है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी जनता से क्या अपेक्षा है वो उनको यहाँ बताया जाएगा, उनके सहयोग के लिए उनसे अपील की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।